मैं दीपक अग्रवाल, अग्रवाल सीट्स एजेंसी नागपुर से, रामेटी की बैच नंबर 4 में। यहाँ पे हम लोग एक प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से यहाँ पर श्री घारपुरे सर और चौहान सर द्वारा यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले आते ही हम लोगों ने यहाँ पे जब ये नैसर्गिक खेती के बारे में हमको वहीं से थोड़ा सा गाइडलाइन दिया था, वो हिसाब से हम जब पहुँचे तो पानी की व्यवस्था के रूप में यहाँ 4 बड़े बड़े पौंड बनाए गए हैं, जिसमें करीब करीब 20-25 करोड़ लीटर्स पानी की व्यवस्था वहाँ पर हमने देखी, जो नेचर से जमा होता है पानी। उसके बाद में जो इन लोगों ने जो नैसर्गिक खेती का जो यहाँ पर पूरा हमको प्लान बताया, इसमें जीवामृत कैसे बनाया जाता है और जीवामृत का यूज़ कैसे किया जाता है, इसकी पूरी डिटेलिंग हमको प्रॉपर तरीके से पूरी बताई। इसके अलावा गन्ने की खेती के बारे में हमको विशेष रूप से बताया, गन्ने का कितना प्रोडक्शन होगा, गन्ने से गुड़ कैसा बनेगा, वो गुड़ का विशेषता क्या रहेगा। ये सब बातें देखने के बाद हमको ऐसा लगा कि जो आज सरकार का भी जो प्रयास है कि केमिकल खेती से दूर करके ऑर्गेनिक खेती की तरफ डेवलपमेंट देश को लेके जाना, उसका ये बहुत बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण हमको देखने को मिला कि ये बहुत सक्सेसफुली लॉन्ग टर्म में रन किया जा सकता है। तो यह देख के हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि हम लोग केमिकल से ऑर्गेनिक की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, इसका हमें गाइडलाइन के रूप में आज काफ़ी अच्छी जानकारियाँ यहाँ के जो संचालक है बिपिन जी पटेल और उनके पुत्र, उन्होंने हमें काफ़ी अच्छी सब जानकारियाँ दी और बहुत विस्तृत में बातें बताई, हमारे लिए बहुत लाभदायक है। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो किसान मंडली आती है उनको हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पास ऑन कर सकें। थैंक यू।